शरीर में रोग हो गया, अब 24 घंटा तो कोई पूछताछ नहीं होती, तो बड़ा दुख का अनुभव करता है कि मुझे कोई पूछताछ भी नहीं है। ये रोग, बुढ़ापा आदि आदि परिस्थितियां बड़ा कष्ट देती है जो आदमी जीने की कला को नहीं जानता। धर्म का काम था जीने की कला का बोध कराना। जीने की कला बहुत बड़ी कला है, और जीने की कला का एक महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में रहना। जो व्यक्ति वर्तमान में रहने का अभ्यास कर लेता है वह आनंद पूर्वक जीता है, और जो व्यक्ति वर्तमान में कम रहता है या तो अतीत की स्मृतियां करता रहता है और या भविष्य की कल्पना करता रहता है वह शायद सुख से नहीं जी सकता। अतीत की स्मृतियां कि देखो एक दिन वह था जब मैं बड़ा अफसर था, मंत्री था, सब यह था, तो क्या क्या स्थितियां थी, और आज कुछ नहीं है। जब मेरे पास इतना धन था मेरी क्या स्थितियां थी, आज स्थितियां बदल गई। अतीत की स्मृतियों में आदमी खोया रहता है, याद करते रहता है। स्मृति एक बहुत बड़ी हमारी शक्ति है, पर हम स्मृति का उपयोग करना नहीं जानते, अनावश्यक स्मृतियों में समय को बर्बाद करते हैं। स्मृति भी आवश्यक, जितनी जरूरी उतनी स्मृति। हर चीज की सीमा है, हमारी दुनिया में असीम कोई नहीं है, सबकी सीमा है, सीमा को समझना। तो स्मृति की बात, दूसरी कल्पना की बात। समय बहुत सारा कल्पना में बीतता है, और कल्पना के आधार पर आदमी दुखी बनता रहता है। कल्पना से भी बहुत दुखी बनते हैं। एक संदेह पैदा हुआ और कल्पना की, कितना दुखी,